हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ, नवरात्रि का तीसरा दिन है। तो चलिए, और किटू को मैंने स्कूल भेज दिया, तो पंडित जी लेट से ही आते हैं पूजा कराने के लिए। और किटू यहाँ स्कूल में डांडिया खेल रहा है। ये जो लाइफ होता है ना, लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। छोटे छोटे बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं। तो चलिए, आई होप आप लोग को पसंद आएगा ये वीडियो। एक किट्टू यहाँ स्कूल से वापस आ गया और घर में भी डांडिया खेल रहा है और पूजा भी चल रहा है। और शाम में मैं घर में पंडित जी आएंगे, तो शाम दिखाकर मैं मंदिर जाऊंगी। यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, सो आप लोग को और यहाँ पे मैं काम करके फ्री हो गई हूँ। यानी सुबह का नाश्ता वगैरह बना लिया मैंने, पोछा वगैरह लगाकर सारा रूम वगैरह पोछा भी गया। किटू भी स्कूल चल गया। तो सुबह में जब पतिदेव जी उठते हैं तो यहाँ पे साफ वगैरह क्लीन कर भी देते हैं, प्रसाद वगैरह हटा भी देते हैं। और जब मैं नहा धोवा लेती हूँ, वही 12 बजे तक मैं भी नहा धोवा लेती हूँ। पर जब तक पूजा ख़त्म नहीं होता मैं भी फास्ट रहती हूँ, क्योंकि बैठ के मैं भी पाठ सुनती हूँ। तो यहाँ पे जो है, तो एक जगह झोला में मैं सारा सामान यहाँ का रखती हूँ, जो भी सामान होता है, क्योंकि एक साथ विसर्जन होगा। और थाली वगैरह तो मैं धो के इसलिए रख देती हूँ, क्योंकि पंडित जी जब आएंगे तो मेरे लिए भी इजी होगा, जल्दी से पूजा पाठ स्टार्ट होगा। क्योंकि अभी जो टाइम है फिक्स नहीं है पूजा के लिए, कभी 3-3:30 बज जाता है पाठ कराने में, क्योंकि पतिदेव जी भी लेट से आते, कभी शॉप पर उनको टाइम नहीं मिल पाता है। और मैंने यहाँ वाशिंग मशीन में कपड़ा भी डाल दिया, तो साथ साथ में मेरा कपड़ा भी धुला जाएगा। और अभी कपड़ा सुखाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बालकनी में भगवान जी मतलब कलशा स्थापना हुआ, तो हम लोग बालकनी में कपड़ा नहीं सुखाते हैं। और यहाँ पे थाली वगैरह धोकर मैं भी यहाँ पे सारा जो काम है पहले मैं करके रख देती हूँ। तो अगर आई होप ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर आते हैं तो मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे जितना भी ये दो फूल, बेलपत्र, तुलसी पत्ता, पान पत्ता सब यहाँ मैंने थाली में रख दिया अच्छे से। और जो दुर्गा माँ का फूल होता है वो लाल फूल ही होता है, अड़हुल का इनका फेवरेट फूल होता है। तो यहाँ पे मैं भी यहाँ बगल से सोमादे के घर से 2-4 फूल तोड़ के लाती हूँ। बाकी पतिदेव जी शॉप जहाँ मेरा है वहाँ पर क्लेडिस फूल वगैरह बेचती हैं, तो वहाँ से डेली अपना ये ख़रीद के भी लाते हैं। और प्रतिदिन यहाँ अड़हुल के माला भी चढ़ता है माता रानी को, और बहुत अच्छा लगता है मुझे तो पूजा पाठ में। बहुत अच्छा लगता है कि घर में कलशा स्थापना हो या छठ पूजा हो
ये जो दो पर्व है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे अड़हुल का फूल भी बहुत सारा हो गया, फूल गेंदा का फूल, बेलपत्र, दूब, तुलसी पत्ता, पान पत्ता, ये डेली का ये चीज़ है। तो यहाँ पे थाली में मैं अच्छे से रख देती हूँ और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है ये घर में होता है। तो मुझे सच में रियली मैं बता रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे यहाँ पे तो मेरे ससुराल में 11-12 साल हो गया, तो यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं। और देखिए जौ जो है बहुत अच्छे से निकल चुका है, माता रानी की कृपया है। बस ऐसे ही हम लोग के घर में सुख शांति में सब खुशियाँ रहे और आगे बढ़ती रहे। तो यहाँ मैं कथा स्टार्ट होने वाला, तो मैं यहाँ पूजा में बैठ गई हूँ। माता पृथ्वी देवी भ्यो नमः। हरे ओम महा अक्षत इदम अक्षतम पुनर्कामी माता पृथ्वी देवी भ्यो नमः। खाता अनुसार इसीलिए चढ़ाया जाता है। ओम त्रिदेवी दुर्गा श्री भगवान गणेश जी का नमः। फूल अक्षत लेकर के प्रार्थना कीजिए गणेश जी को। ओम गणेश्वराय वरदान यशोरा प्रियाय लंबोदराय सकला य जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिज य विभूषिताय गौरीसुताय गणना च नमो नमस्ते। जा श्रिया स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनं कृतिधियं हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सतम कुल जन प्रभव सलजात्म परि पालय देवी विश्वाय नमः। श्री गौरी गणेश संबिकाय नमः। श्री गौरी गणेश संबिका व्यम नमः। फल चाहिए कगो एगो केला को सुन कलांत समर्प्यामि श्री गौरी गणपति नमः। समर्पयामि श्री गौरी गणपते नमो नमः। ओम तमूल्यम समर्पयामि श्री गौरी गणपते नमः। दर्वदक्षिणाम समर्पयामि गौरी गणपते नमः। ओम हरे ओम महाम जल गिरा दीजिए। जलम मुखवाचमन्यम समर्पयामि श्री गौरी गणपते नमः। संभयोपते नमो देवी नमो देवी महादेवी शिवाशतम नमो नमः। नमः प्रकृते भद्राय नेतात्मताम नमः। रुद्राय नमः नित्याय नमः। गौरजधात्राय नमः ख्याताय नमः। कृष्णाय नमः सताय नमः कुलाय नमः। रुद्राय नमः नित्याय नमः। गौरजधात्राय नमो नमः। कल्याणाय। और यहाँ पे मैं पंडित जी के लिए चाय बना रही हूँ। तो जो पूजा के लिए दूध अलग आता है तो यहाँ मैं फ्रीजर में रख देती हूँ और इसी से चाय भी बनता है। तो क्योंकि जो घर का दूध डेली दूध आता है वो दूध मैं चाय बना के नहीं देती हूँ क्योंकि वो नमक वगैरह के रहता है, तो इसलिए। तो यहाँ क्योंकि आरती ख़त्म होने में मुझे आरती में भी जाना है तो मैं यहाँ पे पहले आ गई हूँ, चाय बैठा देती हूँ क्योंकि पंडित जी को और जगह जाना होता है। तो चाय बना देती हूँ, वो गर्म पानी ही पीते हैं। तो पहले यहाँ पे चाय मैं बैठा देती हूँ, आरती करते करते चाय भी बन जाएगा और मिठाई वगैरह रहता तो वो भी खाते हैं। चलिए मैं यहाँ पे चाय बिठा देती हूँ, उसके बाद आप लोग आरती में एंजॉय कीजिए। तो प्लीज मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए प्लीज। और यहाँ मैं आ गई हूँ कपड़ा दुकान, कुछ कपड़ा खरीदना था। तो यहाँ पे मैं पहले दीदी अपना साड़ी देख रही है जो षष्ठी या सप्तमी का दुर्गा माँ पे चढ़ता है। यहाँ पे पहले साड़ी मैं देख रही हूँ, अगर देखते पसंद आता है तो मैं खरीदूँगी, नहीं तो फिर किसी और दुकान पे जाऊँगी। तो देखिए इस तरह से शॉप है, बहुत अच्छा शॉप है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा का कुछ सामान लेना था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ है तो बाद में जाएगा क्योंकि बीच बीच में कोई कोई सामान तो घटते रहता है। तो यहाँ पे अष्टमी के दिन, खष्टी के दिन जो चढ़ता है उसके लिए सामान लेना है।
और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी स्वीट दुकान, जो कि मिठाई लेना है मुझे। डेली मिठाई का भी भोग लगता है, यानी कालाकंद हो गया, पेड़ा हो गया, तो यहाँ से मैं खरीद रही हूँ। यहाँ पे हस्बैंड जी के साथ आई हूँ, तो यहाँ खरीद की थी रहता है, क्योंकि स्वीट वगैरह ही खाते हैं, फ्रूट वगैरह थोड़ा बहुत खाते हैं, बट जैसे सिंघाड़ा का हलवा हो गया या मखाना हो गया, ये सब नहीं खाते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्वीट वगैरह लेके मैं अभी घर जाऊँगी। और प्लीज़ आई होप ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इतना